हेलो फ्रेंड्स, सभी भक्तों को राधे राधे। तो हम आ गए हैं नहा धोकर किचन में। अब अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग प्रसाद तैयार करेंगे। तो मैं बनाऊंगी आज सूजी का हलवा। सूजी का हलवा लड्डू गोपाल को बहुत पसंद होता है, तो मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। उसके बाद काजू डाल दिए हैं और बादाम है और ये किशमिश भी है इसमें। तो मैं लड्डू गोपाल का भोग तैयार करती हूँ। तो मैंने ये ले लिया है सूजी 4 चम्मच। तो इसको अच्छे से हल्का ब्राउन हो जाने दूंगी मैं। इसी प्रकार इसको लगातार चलाते रहना है। तो जब मेरी ये सूजी हल्की ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए हमारी सूजी भुन चुकी है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी सूजी के अनुसार पानी। तो मैंने देखिए इसमें ये पानी डाल दिया है। तो अब इस पानी में थोड़ा सा हम उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर, चीनी डालेंगे। और चीनी को हम तब तक पकाएंगे इसमें तब तक ये घुल ना जाए। चीनी हमारी देखिए घुल चुकी है। और मैं जब तक 2 इलायची पीस लेती हूँ। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें सूजी जो हमने फ्राई की थी, भुनी थी। अब देखिए इसको पकाएंगे। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए ये प्रसाद घर पे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। उनको सूजी का हलवा बहुत पसंद होता है। हमारा सूजी का हलवा बनके रेडी है। अब उनको चलते हैं भोग लगाने के लिए। जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो इसके ऊपर से हम डाल देंगे गार्निश के लिए। तो देखिए हमारा सूजी का हलवा बनके रेडी है भोग के लिए। हमारे लड्डू गोपाल को